तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस किसके लिए थे? तो वो तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे, वो थे लीनियर मोशन के लिए, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वो तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस कैसे आए उसका डेरिवेशन देखने वाले यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड. ठीक है, सो लेट अस क्विकली रिवाइज वो ग्राफ क्या है एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द डेरिवेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एंड ये डेरिवेशन एग्जाम में पक्का आता ही है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन. तो उसके लिए हमने क्या देखा था, वी हैड पॉइंट ए एंड वी हैड पॉइंट बी. ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे आया तभी मैंने क्या किया, स्टॉपवॉच को चालू किया था. एट दैट टाइम द टाइम वॉज जीरो, जब भी स्टॉपवॉच चालू किया द टाइम वॉज जीरो. तभी आई नोटिस दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज यू, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. फिर मैंने ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया कितने टाइम तक, तो टी सेकेंड्स के लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया. ठीक है, सो एट दैट टाइम टी में आई वॉच आई सॉ दैट द वेलोसिटी हैज चेंज्ड यू से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी ने अचीव किया फाइनल वेलोसिटी वी. सो आई हैव अ टेबल दैट इज ऑफ टाइम वर्सेस वेलोसिटी. तो टाइम वर्सेस वेलोसिटी का टेबल है, एट टाइम जीरो द वेलोसिटी वॉज यू, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. एंड जब भी टाइम टी हो गया तभी मेरा वेलोसिटी या बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो गया, वो बन गया वी. सो आई हैव टाइम वर्सेस वेलोसिटी, टाइम ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, अभी फाइनल वेलोसिटी इज मोर. फर्दर इफ यू सी, जब भी टाइम जीरो था तभी वेलोसिटी यू था, टाइम जीरो था तभी वेलोसिटी यू. एंड जब भी टाइम टी हुआ तभी हमने चेक किया कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हैज बिकम वी. तो फाइनली मैंने क्या किया, यू एंड वी का जो लाइन है उसको मैंने ज्वाइन कर लिया. आई गेट अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसे होता है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन. फर्दर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये उसको डेरिवेशन को मुझे आई हैव टू डेराइव, राइट? तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर निकाल के फॉर कन्वीनियंस मैंने सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को आई गिव इट अ नेम, दैट इज ओ डी सी बी ए ई. ठीक है, सो नाउ लेट अस ट्राई टू डेराइव दिस. अभी हम लोग क्या यूज करने वाले, वी आर गोइंग टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ ज्योमेट्री ओवर हियर. फाइन, तो लेट अस फर्स्ट, अच्छा फर्दर वी सॉ दैट O से लेके D तक का डिस्टेंस, दैट इज ओ डी इज यू, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. सिमिलरली O से लेके C तक का डिस्टेंस इज V, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. ऑल्सो ओ ई इज टी. सो दिस इज वॉट वी हैव सीन. आई होप मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वेन यू कम फॉर द लेक्चर आई नीड यू टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर ग्राफ इन योर नोटबुक, सो दैट ये ग्राफ यूज करके यू वुड बी डूइंग द डेरिवेशन साइमल्टेनियसली. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ जस्ट लुक एट द स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, उसके बाद हम लोग वो लिखने का कोशिश करेंगे. तो पढ़ाते वक्त प्लीज डू नॉट राइट द डेरिवेशन, आई विल गिव यू टाइम टू राइट द डेरिवेशन. सो लेट अस नाउ फर्स्ट टॉक अबाउट फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. What is first equation? V equals to U plus AT. इसको अपना दूसरा नाम क्या होता है, तो the second name for it is velocity time relationship. कैसे करने का, velocity time first letter देखेगा and last letter. First letter is velocity, last letter is time. Therefore this becomes velocity time relationship. अभी ये मुझे derive करना है, तो इसका derivation के लिए I'm going to take help of a formula of acceleration. And acceleration is nothing but change in velocity upon time, that is rate of change of velocity. Abhi aapko yaad hoga symbolic form mein humne acceleration ka formula dekha tha. Kya hai wo formula? To small a equals to v minus u upon t, that is final velocity minus initial velocity upon time.
अभी आपको दो चीजें करनी है. फर्स्ट थिंग यू हैव टू लुक एट द फॉर्मूला पार्ट एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू लुक एट द ग्राफ. ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला है, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वी एंड वैल्यू ऑफ यू फ्रॉम द ग्राफ. अभी ग्राफ के तरफ देखो, ग्राफ के तरफ वी कहां पे, तो वी है ये, बट ये वी डिस्टेंस कहां से कहां तक का है, तो ये डिस्टेंस है सी से लेके ओ तक का. तो व्हाट आई डू इज मैं ए वैसे का वैसा लिखता है, इक्वल टू साइन वैसे का वैसा लिखता है, एंड ऑन प्लेस ऑफ वी आई सब्स्टिट्यूटेड एज ओ सी. क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला है मैं, आई सब्स्टिट्यूट एज ओ सी. सो इंस्टेड ऑफ वी आई सब्स्टिट्यूट ओ सी फ्रॉम द ग्राफ. सिमिलरली माइनस साइन वैसे का वैसा लिखने का. अच्छा, अभी u के बदले मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है, तो u के बदले देखो u कहाँ पे है इन द ग्राफ, यू सी, यू कैन सी u हियर. सो व्हाट इज डिस्टेंस u इक्वल्स टू, सो डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू ओ डी. कितना है ओ डी, तो u के जगह पे मैंने ओ डी लिख दिया, माइनस साइन वैसे का वैसा. यू मस्ट बी थिंकिंग कि मुझे t को भी सब्स्टिट्यूट करना है, बट आई एम नॉट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट t. Instead, मैं टी को वैसे का वैसा लिख देगा. अभी इफ यू ट्राई टू सी, ये जो स्मॉल टी है, टाइम है, इट इज इन आरएचएस, उसको मैं लेके जाता हूँ एलएचएस में. सो हियर इन आरएचएस द टी इज डिवाइडिंग, इफ इट गोज फ्रॉम आरएचएस टू एलएचएस द टी विल डैश, द टी विल मल्टीप्लाई विथ ए, तो मुझे मिलेगा ए टी. क्या मिलेगा ए टी. अच्छा, बिफोर कमिंग टू दैट, let us see what is OC minus OD. तो OC minus OC OD देखते, वो वाला step बाद में देखेंगे. अभी OC देखो, OC, O, C, ये पूरे OC में से मैंने क्या किया, ये पूरे AC में से मैंने OD निकाल दिया, OD निकाल दिया, तो बचा क्या, बचा CD. क्या बचा CD. So can I write OC minus OD, OC, listen to me, OC minus OD. इतना निकाल दिया, बचा क्या, बचा CD. क्या बचा CD. So what I do is OC minus OD, I replace it with CD upon T वैसे का वैसा. So as I told you, T LHS RHS में से I take it to LHS. So here T यहाँ पे divide हो रहा था, वो side जाएगा LHS में जाएगा, तो it will multiply. So what I have CD is equals to AT. CD is equals to AT. तो मैं क्या किया, ये CD है ना, यहाँ पे CD, can you see? CD, ये CD है ना, CD के यहाँ पे मैंने substitute कर दिया AT, या उधर मैंने notify कर दिया कि CD is nothing but AT. ठीक है, again let us see what are the steps, फिर we will move on with the further part of the derivation. So let us see again, फटाफट देखते अपन. ठीक है, so we are going to derive first kinematical equation, that is velocity time relationship. What is the formula? V is equal to u plus at. Uske liye what formula are we going to take help of? We are going to take help of acceleration, and acceleration ka formula is v minus u upon t. Abhi in this particular equation ye jo v hai, that is final velocity hai, final velocity is nothing but OC minus U, that is initial velocity is nothing but OD, U is OD divided by time. Abhi A वैसे का वैसा, OC, OC में से मैंने OD निकाल दिया, minus कर दिया, तो बचेगा CD. क्या बचेगा CD. तो मैंने क्या किया, OC minus OD के जगह पे लिखा CD अपॉन टी वैसे का वैसा. आई एम नॉट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट टी. टी को मैंने एल आर एच एस में से आई टेक इट टू एल एच एस, तो जब भी वो टी ए के पास जाएगा, इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई. सो व्हाट डू आई हैव सी डी इज इक्वल्स टू ए टी. आई गिव इट एज इक्वेशन वन, एंड ग्राफ में भी जिधर सी डी है, जिधर सी डी है, उसके बाजू में आई एम गोइंग टू राइट ए टी. व्हाट आई एम गोइंग टू राइट ए टी. Further, moving on, if you try to see three points, point C, point D, and point O, ye tino points mein se, can I say straight line pass ho raha hai? Yes. So, agar
तीनों पॉइंट्स में से स्ट्रेट लाइन पास होता है तो कहना है इसे ओडी एंड सीडी को मैंने ऐड कर दिया तो मुझे मिलेगा ओसी. क्या मिलेगा? ओसी. वापस बोलता है मैं, ओडी को मैंने ऐड किया सीडी से तो मुझे मिलेगा ओसी. क्या मिलेगा? ओसी. सो आई राइट इट एज ओसी इक्वल्स टू सीडी प्लस ओडी. एज सिंपल एज दैट. ऑल राइट, अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी मुझे सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है. व्हाट इज ओसी? ये मुझे ओसी है ना, ओसी है. किधर ओसी है? ये ओसी है ना, उसके जगह पे मुझे ग्राफ में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो व्हाट इज ओसी? ओसी इज वी. तो मैंने ओसी के जगह पे वी लिख दिया. इक्वल्स टू सी डी. सी डी देखो, सी डी. व्हाट इज सी डी? अभी अपन ने देखा इक्वेशन वन में सी डी इज नथिंग बट 80. तो मैं सी डी के जगह पे आई एम गोइंग टू राइट 80. प्लस ओडी. वेयर डू आई हैव ओडी? ओडी यहाँ पे है. व्हाट इज ओडी इक्वल्स टू? ओडी इज नथिंग बट इक्वल्स टू यू. तो ओडी के जगह पे आई सब्स्टिट्यूट यू. अभी मुझे वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 चाहिए था, बट आई गॉट वी इज इक्वल टू 80 प्लस यू. इज इट वन एंड द सेम? यस. आई जस्ट हैव टू रीअरेंज इट. सो व्हेन आई रीअरेंज इट, आई हैव वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80. So this is our first kinematical equation. So this is how I derive first kinematical equation, that is V equals to U plus 80. So yahan pe do hints hai. First hint is use acceleration ka formula. First hint is used acceleration. Second hint is you have to consider three points through which the straight line passes. So this is how you derive. This is how you derive equation, first kinematical equation. All right. Now, everybody take 30 seconds to go through each and every step. Go through each and every step. Take 30 seconds. The derivation is very simple. Bahut important derivation hai. Exam mein pakka aega. And you are supposed to write this derivation. ठीक है, बट बिफोर राइटिंग दिस डेरिवेशन टेक 30 सेकेंड्स टू गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप, अंडरस्टैंड द स्टेप्स एंड देन राइट द डेरिवेशन. वट एवर डाउट्स वी हैव विल लुक इट आफ्टर द लेक्चर. एज ऑफ नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. Try to understand the steps and try to recall the steps when you write the derivation. Try karna khud se likhne ka so that you'll be able to recall it properly. I hope you have drawn the diagram. Diagram banaya nahi hoga to abhi mat banao. Start writing the derivation now. The very important derivation. दो चीजें करनी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है एंड सेकेंड इज ओसी इक्वल्स टू सी डी प्लस ओडी यूज करना है. दैट्स इट. इसके ऊपर ही आपका पूरा डेरिवेशन हो जाएगा. टेक वन मोर मिनट, राइट क्विकली, राइट दिस डेरिवेशन क्विकली एंड देन वी कैन गो विद द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. A very important concept. One more minute. You have one more minute to write. Write it quickly. And
and then we can start with the second derivation. डायग्राम अभी मत बनाओ, डेरिवेशन लिखना. थर्टी सेकेंड्स मोर. ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट. ट्वेंटी सेकेंड्स. फिफ्टीन. टेन. फाइव. एंड स्टॉप. All right. So this is first kinematical equation, that is V is equal to U plus AT. We also call it as velocity time relationship. So exam mein aapko simple statement aayega using graphical method, derive first kinematical equation. Or they can give you a question as using graphical method, derive velocity time relationship. So this is how we are supposed to derive. Diagram important hai. Diagram compulsory hai. Without diagram, if you write this derivation, you are not going to get full marks. All right, moving on. Let us now talk about second equation, that is equation for displacement time relationship, which is nothing but second kinematical equation, that is S equals to U plus half AT square. Achha, half AT square mein wo square sirf T को है. किसको है वो स्क्वायर? T को है सिर्फ. AT the whole square नहीं है. The T is the square is only for T. So now we are going to derive displacement time relation. Displacement time relation इसका नाम कैसे पड़ा? So if you see first letter S, S stands for displacement. The last letter is time, and hence it is called as displacement time relationship. So if you try to see, मुझे अगर मेरे पास velocity time graph होगा, now listen to this very carefully. If I have velocity time graph, अगर मेरे पास velocity time graph होगा, तो using velocity time graph, I can find distance या displacement of a body. ठीक है, अभी उसके लिए क्या करने का? तो if you see, ये जो db है, ये db है, ये लीनियर ग्राफ है ना. तो ये जो db लीनियर ग्राफ है वो क्या करता है? वो db x एक्सिस के साथ एक एरिया ऑक्यूपाई करता है. क्या करता है? x एक्सिस के साथ ये जो db लाइन है, इट इज ऑक्यूपाइंग और इट इज कवरिंग सम एरिया. अभी वो एरिया है, वो एरिया क्या है? तो वो एरिया के चार साइड्स है ना. कौन से साइड्स कवर किए उसने? तो OD, DB, DE, and the fourth line is OE. So can I say चार line वाला closed figure और चार side वाला closed figure is nothing but quadrilateral. तो अगर मुझे distance ढूंढना है, तो what I consider is I consider area of quadrilateral. आपको याद क्या रखना है? You are supposed to remember that if I have velocity time relationship, I repeat. If I have velocity time graph, वो velocity time graph से अगर मैंने area consider किया, वो graph का क्या किया? Area consider किया, तो I can get displacement covered by the body or displacement of a body. अभी आपको अगर question है कैसे, तो you don't have to worry about it right now. When we get into person, हम लोग जब भी classroom में मिलेंगे, we'll have a discussion of that in detail. As of now, just remember that what are you supposed to remember? Velocity time graph ka area aapko deta hai displacement. Kya deta hai? Displacement. So if I consider the quadrilateral, quadrilateral kya hai? To quadrilateral hai
ODBE. So I have to consider area of quadrilateral OEDB या DOEB. The naming you can take care of. Naming आगे पीछे हुआ तो it does not कुछ problem नहीं होता, right? All right, next. अभी अगर if you see ये जो quadrilateral है, ये पूरा quadrilateral है. This quadrilateral is divided into two parts. First part is what is this figure? What is this figure according to you? Correct. This figure is a rectangle. What is this? Sorry, this figure is a triangle. What is this figure? Triangle. And नीचे देखो. नीचे क्या है? ये figure कौन सा है? ये figure है rectangle. So can I say a quadrilateral is divided into two parts? एक है area of rectangle and दूसरा है area of triangle. Now can you try and guess the name of a rectangle? Rectangle किधर से चालू होता है? तो D O E A. So rectangle is D O E A. So I have to first consider area of rectangle and दूसरा I have to consider area of triangle. तो triangle कौन सा है? D A B. Triangle D A B. तो अगर आप देखोगे सिंपल है ये पूरा जो एरिया है इस पूरे एरिया को मैंने क्या किया दो पार्ट में स्प्लिट किया. फर्स्ट एरिया इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेकेंड एरिया इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अगर ये दोनों को मैंने ऐड किया ये दोनों एरियाज को मैंने क्या किया रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल के एरियाज को मैंने ऐड किया तो मुझे पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया मिलने वाला है. I do that for the simplicity, for the sake of simplicity. ठीक है? Now, if you can recall, geometry में पढ़ा है आपने. What is area of rectangle given as? Area of rectangle is nothing but length into breadth. Plus, what is area of triangle का formula? Area of triangle का formula is half into base into height. If you have correctly mentioned these formulas, very good. फर्दर चलो अभी आइडेंटिफाई करते हैं रेक्टेंगल है ना कौन सा रेक्टेंगल आर वी टॉकिंग अबाउट. रेक्टेंगल वी आर टॉकिंग अबाउट डी ओ ई ए. तो ये रेक्टेंगल में लेंथ व्हाट इज लेंथ. लेंथ इज ओ ई. व्हाट इज लेंथ. लेंथ इज ओ ई. एंड ब्रेथ क्या होगा. ब्रेथ यू कैन टेक इट एज ओ डी और यू कैन ऑल्सो टेक इट एज ई ए. कुछ भी चलेगा. ठीक है तो व्हाट आई डू इज मैं लेंथ के जगह पे लिखता है ओई. ओई इज लेंथ. एंड ब्रेथ क्या है ए ई. तो मैंने लिखा ओई इंटू ए ई. ठीक है आई रेफर इट थ्रू द ग्राफ. ठीक है चलो नेक्स्ट. अभी ट्रायंगल लिखते दिस इज अ ट्रायंगल. सो दिस इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल में इफ यू सी हाफ वैसे का वैसा आएगा. अभी ट्रायंगल का बी मतलब ब्रेथ होता है क्या. ट्रायंगल में बी मतलब ब्रेथ होता है क्या. नहीं. ट्रायंगल में बी मतलब क्या होता है. बी मतलब बेस. सो कैन आई से डी ए इज बेस. यस डी ए इज बेस. एंड हाइट क्या है फिर. एच मतलब हाइट. हाइट इज ए बी. तो व्हाट आई डू इज हाफ इनटू ब्रेथ के जगह पे लिखा डी ए एंड ब्रेथ के जगह पे लिखा डी ए एंड हाइट के जगह पे लिखा ए बी. ब्रेथ नहीं बेस के जगह पे लिखा डी ए एंड हाइट के जगह पे लिखा ए बी. फर्दर इफ यू सी अभी मुझे क्या करना है. मुझे सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज. व्हाट आई एम सपोज टू डू. आई एम सपोज टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. तो कैसे करने का देखो. चलो ओ ई सबसे पहले है. ओ ई व्हाट इज ओ ई. ओ ई इज नथिंग बट टी. ओ ई इज नथिंग बट टी. चलो तो मैंने क्या किया सब्सटीट्यूट किया. ओ ई के जगह पे लिखा टी. Next is AE. Next is AE. AE. Can I say AE is equals to OD? Because they are opposite sides of a rectangle. So, if opposite sides of the rectangles equal rahenge, to can I write AE ke jagah pe U? AE ke jagah pe likh deta hai U. Next, half. Waise ka waisa. Into base. DA is base, but DA I do not know.
बट अगर आप ध्यान से देखोगे, कैन आई से ये बेस है रेक्टेंगल का, जो ट्रायंगल का जो बेस है दैट इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल इटसेल्फ, एंड एडी किसको इक्वल होगा? एडी इक्वल होगा ओ ई को, किसको इक्वल होगा? ओ ई को, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो एडी कैन आई राइट इट एज टी, बिकॉज ओ ई कितना है? टी है। डी इज इक्वल्स टू ओ ई विच इज इक्वल्स टू टी, तो मैंने वो सब्सटीट्यूट कर दिया। विल डू दैट अगेन, विल रिवाइज दिस अगेन एज ऑफ नाउ, जस्ट लेट अस गो विद द लिंक, ठीक है? डोंट वरी, विल रिवाइज दिस अगेन, फाइन। नेक्स्ट, चलो ए बी, व्हाट इज ए बी? ए बी है हाइट, बट ए बी का वैल्यू अगर आप देखोगे, ये रेक्टेंगल है ना, ए बी किसको इक्वल होगा? ए बी इक्वल होगा सी डी को, बट सी डी अपन ने कितना देखा, फर्स्ट इक्वेशन में देखा था ना, सी डी इज नथिंग बट ए टी। तो व्हाट आई डू इज आई सिंपली मल्टीप्लाइड बाय ए टी, मतलब मैंने ए बी के जगह पे ए टी सब्सटीट्यूट कर दिया। अभी मेरा आधा डेरिवेशन तो इधर ही हो गया। देखो अभी सिंपल करना है, एस वैसे का वैसा लिख लिया, यू इन टू टी, मतलब क्या ना, इट इज यू टी प्लस हाफ वैसे का वैसा इनटू, चलो टी इनटू ए टी, टी इंटू ए टी, टी इंटू टी क्या बनेगा? टी स्क्वायर। सो आई हैव ए टी स्क्वायर। इज दिस व्हाट वी वांटेड? ऑफ कोर्स वी वांटेड सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिराइव्ड, दैट इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है? लेट अस क्विकली सी, लेट अस क्विकली लुक एट ईच इंडिविजुअल स्टेप्स वापस से, सो दैट यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट इफ यू हैव मिस्ड इट, राइट? तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डिराइव सेकेंड काइनामेटिकल इक्वेशन, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? अभी एस ढूंढना है, मतलब क्या ढूंढना है मुझे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मुझे कंसिडर करना पड़ता है एरिया। एरिया किसका एरिया कंसिडर करना पड़ेगा? एरिया मुझे कंसिडर करना पड़ेगा ये ग्राफ जितना कवर करता है विद एक्स एक्सिस। सो दिस ग्राफ इज कवरिंग अ सर्टेन एरिया फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस इज नथिंग, दिस एरिया इज नथिंग बट आई सी इट अ क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल का नाम क्या है? क्वाड्रिलैटरल इज डी ओ ई बी। अभी ये जो क्वाड्रिलैटरल है, दिस क्वाड्रिलैटरल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? द हिंट इज दिस क्वाड्रिलैटरल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट आई सी इज अ रेक्टेंगल। क्या है रेक्टेंगल का नाम? रेक्टेंगल का नाम है, रेक्टेंगल का नाम है डी ओ ई ए। सो आई कंसिडर एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ओ ई ए। एंड सेकेंड इज ट्रायंगल। सेकेंड इज ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल? डी ए बी। तो मैं क्या करेगा? आई एम गोइंग टू कंसिडर इंडिविजुअल एरियाज। इंडिविजुअल एरियाज मतलब इसका एरिया कंसिडर करेगा एंड रेक्टेंगल का कंसिडर करेगा, दोनों को एड करेगा तो मुझे मिलेगा क्वाड्रिलैटरल का एरिया। फर्दर इफ यू सी, मैं क्या करने वाला है? आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है? नेक्स्ट, अभी ये जो फॉर्मूला है इसको मुझे क्या करना है? इसको फॉर्मूला को आई हैव टू सी व्हाट आर द साइड्स। तो आई एम गोइंग टू रेफर द ग्राफ। सो व्हाट आई डू इज एस इक्वल्स टू रेक्टेंगल, लेट अस टॉक अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज ओ ई, तो ओ ई लिख दिया मैंने। एंड व्हाट इज ब्रेथ? ब्रेथ इज ए ई, तो मैंने बी के जगह पे ए ई लिख दिया प्लस हाफ वैसे का वैसा। नेक्स्ट, व्हाट इज बेस ऑफ अ ट्रायंगल? बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज ए डी, सो आई राइट बी ए और ए डी, कुछ भी चलेगा। मल्टीप्लाइड बाय ए बी
इज हाइट, तो एच की जगह पे आई सब्स्टिट्यूटेड एज ए बी. अभी मुझे क्या करना है, मुझे उसको वापस सब्स्टिट्यूट करना है. व्हाट इज ओ ई? ओ ई इज नथिंग बट टी. सो एस इज इक्वल्स टू टी लिखा मल्टीप्लाइड बाय. व्हाट इज ए ई? ए ई इज नथिंग बट यू. ए इज नथिंग बट यू. तो मैंने ए ई के जगह पे यू लिख दिया. सो आई हैव टी मल्टीप्लाइड बाय यू प्लस हाफ वैसे का वैसा डी ए. डी ए देखते हैं. व्हाट इज डी ए इक्वल टू? डी ए ओ ई को इक्वल है. इट इज अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल. तो ये ओ ई टी है, तो ए डी भी क्या हो गया? टी. तो डी डी ए के जगह पे लिख दिया मैंने टी मल्टीप्लाइड बाय ए बी. व्हाट इज ए बी इक्वल्स टू? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. एंड हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था, फर्स्ट इक्वेशन में CD is nothing but AT. तो मैंने AT को वैसे लिख दिया वापस. So now what I'm supposed to do is I'm supposed to multiply this. So S is equals to T into U becomes UT या TU कुछ भी चलेगा. But हम लोग क्या लिखेंगे? UT plus half वैसे का वैसा T multiplied by AT. क्या आएगा? A T into T मतलब T square आएगा. क्या आएगा? T square. So AT square. So S is equals to UT plus half AT square is displacement time relationship, that is second kinematical equation. So let us quickly go through this particular derivation. Go through this derivation and start writing the derivation. Another important derivation. अभी एग्जाम में अगर आया आपको, एग्जाम में अगर सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन आया, तो आपको फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. द ओनली थिंग यू आर सपोज टू डू इज सीडी के जगह पे आपको एटी लिखना है. Quickly write this equation. And we'll have doubts. All right.